उसके सब्जेक्ट्स को समझना जरूरी है और कितने मार्क्स की उसकी स्कीम, मार्किंग स्कीम क्या है उसको समझना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड अंकिता। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द स्ट्रेटेजी फॉर नीट एग्जाम, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम, कैसे हम नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर नीट एग्जाम, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। यानी नीट का जो एग्जाम है उसके सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द नीट सिलेबस विच इज इंक्लूड फिजिक्स, यानी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी इसमें सब्जेक्ट्स आपका इंक्लूड रहता है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे नीट एग्जाम में पूछा जाता है। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यानी 180 क्वेश्चंस होते हैं, 45 ईच फ्रॉम फिजिक्स, यानी 45 ईच फिजिक्स में से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी से आपके 45 क्वेश्चन होते हैं, और ये आपका मल्टीपल चॉइस होता है, यानी MCQ। ओके, तो बेसिकली आपका ये है कि नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले आप उसके सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न को आपको समझना जरूरी है, उसके सब्जेक्ट्स को समझना जरूरी है और कितने मार्क्स की उसकी स्कीम, मार्किंग स्कीम क्या है उसको समझना जरूरी है। सेकंड पॉइंट आपका आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान। यानी जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे एक प्लान क्रिएट करना होगा, यानी डेली बेसिस पे आप जो भी पढ़ेंगे उसको टारगेट करना होगा। लाइक डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, आप ईच सब्जेक्ट डेली जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सेम टाइम आपको देना होगा ईच सब्जेक्ट को, एंड 6 to 8 आवर्स फॉर फोकस स्टडी। यानी आप कोशिश कर सकते 6 से 8 घंटे आप पढ़ें अच्छे से, उस पर फोकस करें। फिर वीकली गोल्स लाइक आप वीकली गोल्स अपना क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आपको एक चैप्टर या फिर जो भी टॉपिक है आपको 1 वीक के अंदर स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसको आपको कवर करना है। ओके, तो वीकली गोल्स आपका हो सकता है सेट अचीवेबल वीकली टारगेट्स टू कवर स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कोई स्पेसिफिक टॉपिक को आपको कवर करना है इसी वीक के अंदर, इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं वीकली गोल्स में। रिवीजन, यानी डेली बेसिस पे आप किसी भी पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक नीट, IIT या कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो उसमें आपका रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। यानी आप जितने अच्छे से उसकी रिवीजन करेंगे आप उतने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इंक्लूड टाइम फॉर रेगुलर रिवीजन टू रेनफोर्स योर लर्निंग। ओके, तो क्रिएट प्लान आपका इस तरीके से होता, क्रिएट अ स्टडी प्लान आपका ये हो सकता है, डेली शेड्यूल आप बनाए, वीकली शेड्यूल बनाए या वीकली गोल्स क्रिएट करें, रिवीजन करें डेली बेसिस पे। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट आता है आपका स्टडी मटेरियल, यानी जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो आपका स्टडी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप NCERT टेक्स्ट बुक्स को टारगेट करके चलें, उसको अच्छे से आप पढ़ें। प्राइमरी रिसोर्स ये आपका है स्पेशली फॉर बायोलॉजी। ओके, रेफर टू एडिशनल रेफरेंस बुक्स फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, लाइक आप ये फॉर एग्जाम्पल ये बुक्स हैं दिनेश केमिस्ट्री, HC वर्मा फॉर फिजिक्स। ऑनलाइन रिसोर्स को भी आप ले सकते हैं, फिर कोचिंग या स्टडी मटेरियल जो कोचिंग्स प्रोवाइड करती है वो भी आपका इसमें इंक्लूड होता है और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी जब नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होनी चाहिए, यानी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रेदर देन रोट, यानी आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी आप इस प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की तो आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, ना कि उसको बार बार आपको रिपीट याद करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको वो याद आ जाएगा उसमें क्या आंसर आपको करना है, ठीक है। आप इसमें डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
आप वहां पे फ्लो चार्ट्स या फिर कोई भी डायग्राम्स, उससे क्या होगा कि विजुअलाइज इंफॉर्मेशन उससे उसके रिगार्डिंग आपको पता चल जाएगी। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है माइंडसेट एंड मोटिवेशन। यानी जब तक आप मोटिवेट नहीं है, आपका माइंडसेट उस एम को टारगेट करने के लिए सेट नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, स्टे पॉजिटिव, यानी आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना है। मेंटेन मोटिवेशन, विजुअलाइज योर सक्सेस टू कीप स्पिरिट हाई। यानी आप अपने आप को सक्सेस की ओर देख सकते हैं, ताकि आपको आपकी जो स्पिरिट्स है वो और हाई हो, आप मोटिवेटेड रहें, स्टे पॉजिटिव रहें। ज्वाइन स्टडी ग्रुप और फोरम्स फॉर सपोर्ट एंड डिस्कशन। यानी आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपका क्या होगा कि जब आप ग्रुप्स में होते हैं तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके अगर आप बात करते हैं तो आपको काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी और नई चीज़ें आप सीख पाएंगे, बता पाएंगे कि आपको कितना पता है। सो इससे क्या होगा कि आपको एक तो सपोर्ट मिलेगा और डिस्कशन भी आप कर सकते हो। प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप क्लियर सॉर्ट आउट करें कि किस तरीके से आपका क्वेश्चंस आते हैं उसमें। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम फॉर्मेट। आप एग्जाम फॉर्मेट को उससे रूबरू होंगे। टेक मॉक टेस्ट रेगुलरली टू असेस योर प्रिपरेशन लेवल एंड इम्प्रूव द मैनेजमेंट। यानी डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट भी देना है, आपने कितना पढ़ा, आपको कितना समझ आया। आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, इसके बाद आता है एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू मॉक टेस्ट, आइडेंटिफाई वीक एंड वीक एरियाज। यानी जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका कौन सा वीक एरियाज है। आपको अपनी कमियां पता चलती हैं, आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सो मॉक टेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाला है नीट प्रिपरेशन के लिए। यानी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसका टेस्ट होना जरूरी है, ताकि आपने जो पढ़ा है उसमें कहाँ आपकी कमियां हैं। ओके, सेवेंथ पॉइंट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी नीट का जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके 45-45 ईच सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 180 क्वेश्चन आपका टोटल रहता है। आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है ऑन लिमिटेड टाइम, जो भी आपको टाइम मिलता है। तो आपको क्या कोशिश करना है, आपको मैनेज करना है टाइम, और आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाओ। एम टू स्पेंड नो मोर देन अ मिनट ऑन ईच क्वेश्चन। 1 मिनट से ज्यादा आप किसी क्वेश्चन को ना दें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। ओके, ये आपका एम होना चाहिए। मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चन टू रिविजिट लेटर एंड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम टू एनियंस। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें, उसको स्किप कर दें उस टाइम के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, उसको अटेम्प्ट करें, एंड द लास्ट लास्ट में आपका जो टाइम बचता है उसमें आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, आपको ये नहीं करना कि आपको अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसमें टाइम वेस्ट करें। उससे क्या होगा कि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके छूट जाएंगे। ओके, एट्थ पॉइंट आता है आपका लास्ट मिनट रिवीजन। इन द फाइनल मंथ फोकस ऑन रिवीजन रिवीजिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिएक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स। ओके, यानी लास्ट मिनट पे आपको रिवीजन जो करना है उसमें आपका सबसे ज्यादा जरूरी क्या, फॉर्मूलाज को टारगेट करें, रिएक्शन की कॉन्सेप्ट को समझे। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका रिएक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड है, तो इन सबको आपको टारगेट करना है। इसी का रिवीजन आपको अच्छे से करना है, बिकॉज नीट में आपका पीसीबी से रिलेटेड पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनसे आपको इस टाइम पे जब आपका रिवीजन टाइम है, आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ ही अगर एग्जाम है, तो आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, आपको जो आता है ठीक है उसको अच्छे से पढ़ना है। अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंस्टेड सॉलिडिफाई व्हाट यू ऑलरेडी नो। आप जिसको जानते हो उसको और अच्छे से आप पढ़ें, ना कि आप कोई नया टॉपिक उठा के
पीछे की चीजों को भूल जाए। ओके, नाइन्थ आता है एग्जाम डे प्रिपरेशन, आपकी क्या होनी चाहिए, गेट फेमिलियर विद द एग्जाम सेंटर एंड द रूल्स। ठीक है, क्या उसके रूल्स हैं, एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, और प्रिपेयर ऑल नेसेसरी मटेरियल्स लाइक एडमिट कार्ड, आईडी एक्सेट्रा द नाइट बिफोर। एक रात पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है ताकि आप भूलें ना। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, आपको काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। रिमेंबर टू रीड क्वेश्चन केयरफुली ड्यूरिंग द एग्जाम, जब भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें फिर उसका आंसर आप करें। ठीक है, इस तरीके से आपके 9 पॉइंट्स थे जिसमें हमने बात की कि क्या नीट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। ओके, सो ये सारे 9 पॉइंट्स थे। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।